छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है, सुने मकान का टूटा ताला, 29 लाख से अधिक का जेवरात ले उड़ा चोर। जानिए फिर शातिर तक कैसे पहुंची पुलिस। राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक के समीप एक सोने मकान से शातिर चोर ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ सफाया किया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने लगभग 29,38,188 रुपए के जेवरात बरामद किया है। बता दें कि बीते 24-25 मई की दरमियानी रात राजनांदगांव शहर के जय स्तंभ चौक कलारपारा निवासी प्रार्थी प्रभुदयाल सिन्हा के घर अज्ञात चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के वक्त प्रार्थी और उनका पूरा परिवार जगन्नाथपुरी यात्रा में था। घर का ताला टूटा देख मामले की सूचना पड़ोस के व्यक्ति ने प्रार्थी को दी, जिसके बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस से की। वहीं शिकायत के बाद पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई। आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस शहर के ब्राह्मण पारा निवासी आरोपी राजेंद्र राजपूत तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि चोरी किए जेवरात को ब्राह्मण पारा स्थित नाला में एक झोले के भीतर छुपाकर रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके बताए जगह पर जाकर खोजबीन की तो पुलिस के हाथ खाली डिब्बे लगे। इतना ही नहीं, चोर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहा कि शायद जेवरात नाले में बह गए होंगे। वहीं मामले का खुलासा करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि पहले घर की रेकी किया और फिर 24-25 मई की दरमियानी रात्रि को चोरी करने पहुंचा और आलमारी से सोने और चांदी के जेवरात को चोरी किया। सोने चांदी के जेवरात के खाली डब्बे और झोले को ब्राह्मण पारा स्थित नाले में पुलिस को गुमराह करने के लिए छुपाकर रख दिया। वहीं जेवरातों को अलग से प्लास्टिक पाउच में रखकर अपने घर के चावल के डिब्बे के अंदर छुपाकर रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। जब्त जेवरात की कीमत लगभग 29,38,188 रुपये आंकी जा रही है। वहीं आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।